ये प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। अमेरिका पे जो है वो इस्लाम का राज आ जाएगा। भारत का दो हिस्सा है, एक भारत जो है वो शरई फिलॉसफी से चलता है, दूसरा भारत जो है वो सनातनी वैदिक फिलॉसफी से चल रहा है। हाँ, इसराइल और हमास वॉर जो है वो जरूर फीचर करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के भी जो है वो बहुत बातें होंगी। जय हिंद, मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जुड़े हैं, खास मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय माँ भारती। अंबर जी, आपने बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और चर्चा के लिए हमारे चैनल पर आ पाए हैं। अभिषेक जी, जो आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ ये कि अभी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने दिया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर इस तरह के अवार्ड से, इस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। दर्जनों इस तरह के देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने जो हाइएस्ट इस तरह के सम्मान होते हैं, अवार्ड होते हैं, उससे सम्मानित किया है, जिसमें मुस्लिम देश भी हैं। ये सम्मान और ये जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री मोदी, इसको किस तरह से देखते हैं? और मैं G20 पे भी बात करूंगी क्योंकि रियो भी गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का राज आपको क्या लगता है? भाई देखिए, राज ये तो ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो है हार्डवर्क और डेडिकेशन, साफ नियत और जो उनका जनता के प्रति सच्चा प्यार है। तो फिर एनर्जी जो है ना, कॉस्मॉस की वर्ल्ड जो आप कह लें, स्पेशियल एनर्जीज भी है, वो आपके साथ एडअप हो जाती है। सो प्रधानमंत्री मोदी इज अ चोजन वन। हम लोग पढ़ते हैं ना किताबों में कि भैया वो गिफ्टेड है, वो चोजन वन है। इस बात को कहने में हमें एक पैसे का गुरेज नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। वो एक हमारी भाषा में कहा जाए तो अवतार है, बिब्लिकल भाषा में कहा जाए तो वो चोजन वन है। क्योंकि जो अचीवमेंट किए हैं उन्होंने अंबर जी, दे आर नॉट स्मॉल। आप देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक समय वीजा देने से मना कर दिया हो वेस्ट ने, और बाद में वो वेस्ट का डार्लिंग बन जाए। आई मीन दैट्स अ हेल ऑफ अ जर्नी कि आपकी वीजा को कैंसिल कर रहे हैं और आज वेस्ट कहता है कि ही इज अ वर्ल्ड लीडर। ये किसके कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में इस तरीके का जो है वो उतार चढ़ाव देखेंगे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की जो अब आप देर से देख लीजिए, जो नाइजीरिया वाला आपने अवार्ड बताया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ, ऐसे ही है वो अवार्ड का नाम अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी, तो ये अवार्ड की खास बात भी ये है, क्षमा कीजिएगा, इसकी खास बात भी ये है कि ये नाइजीरिया ने अभी तक अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें सिर्फ दो लोगों को दिया, वो दूसरे मोदी जी हैं। इसके पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया था। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंस है। और ये तो अब तो होड़ मची हुई है देशों में कि जो है कि हम अपना बेस्ट अवार्ड दे दें मोदी जी को। तो सदियों में मतलब ऐसा नेता पैदा लेता है जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व नेता के रूप में जाना जाए। और देखिए, इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व को तो जाता ही है, बट उस फिलॉसफी को भी जाता है जिस फिलॉसफी के अनुसार वो आचरण करते हैं, और वो है हमारी वैदिक सनातनी फिलॉसफी जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अब जैसे मैं कल देख रहा था कि इटली ने और अमेरिका ने कई ऐसे लोगों को, पाकिस्तानी ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है जो वहां पर जाकर के नफरतें फैलाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम तो अमेरिका में आए हैं, अब हमारा एक ही वो मकसद है कि अमेरिका को बदल देना है, ये कर देना है, यहाँ पे अमेरिका पे जो है वो इस्लाम का राज आ जाएगा। क्यों भाई? उसके उलट एक फिलॉसफी हमारी है कि सब हमारा घर है, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। और उस फिलॉसफी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जब काम करते तो देख लीजिए उनका क्या प्लान, क्या उनको मिलता है। भारत का दो हिस्सा है, एक भारत जो है वो शरई फिलॉसफी से चलता है, दूसरा भारत जो है वो सनातनी वैदिक फिलॉसफी से चल रहा। आप उसकी जो है आज गूंज दुनिया में देख सकती हैं। फिलॉसफी में दम होता है और उसके बाद व्यक्तित्व में, यदि फिलॉसफी के साथ एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व मिल जाए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, समझती हूँ, बहुत बड़ा मिक्सर होता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी विलक्षण प्रतिभा के हैं, उन्होंने देश के लिए जो किया है,
देश की जनता के लिए जो किया है वो अतुलनीय है और उसका कोई भी अभी तक तोड़ नहीं है, और हमें भी आगे भी उम्मीद है कि वो ऐसा करते रहेंगे। उनको कौन सा अवार्ड नहीं मिले, बिल गेट्स का हाईएस्ट अवार्ड मिला, फिलिप कॉटलर मैनेजमेंट अवार्ड मिला, 13-15 से ज्यादा उनको देशों ने अवार्ड दे दिया है। तो अब ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई है, अंबर जी हम लोग क्या ही बोले इसके बारे में, बट हमें इस बात का बहुत बहुत गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और मुझे तो डबल गर्व है क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवार्ड और इस सम्मान के मिलने पर कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, ये उनको समर्पित है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रियो ब्राजील भी G20 समिट के लिए गए हैं और ये एक बड़ा दौरा देखा जा रहा है, क्या कुछ इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की चर्चा, क्या प्राथमिकताएं इस दौरे पर होने वाली प्रधानमंत्री मोदी से, क्या उम्मीद करेंगे और क्या कुछ होने वाला है G20? देखिए, G20 एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और इस समय वो फोरम जो है उसकी रिलेवेंस और भी बढ़ गई है। उसका रीज़न ये है कि ब्रिक्स जो है वो एक अल्टरनेटिव के रूप में आ रहा है वेस्टर्न जो वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। तो और खास बात ये है कि G20 एक एक्सपेंडेड वर्जन है G7 का, और ये जो है आपका ब्रिक्स जो है इसमें वेस्ट नहीं है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा जिसे कह लीजिए एक ग्रुप है जो कि पावरफुल है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया की दिशा और दशा चेंज करने का मादा रखते हैं। तो ग्रिक उसको देखते हुए G20 का जो इस बार का सम्मेलन होने वाला है वो और रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो मोदी जी का इस बार जो रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ब्रिक्स के साथ उनके रिलेशन को बिल्कुल एनालाइज किया जाएगा। सो रियो डी जेनेरो में जो इस बार वो जाएंगे उसमें लोग उनको ध्यान से सुनेंगे, और खासकर इसलिए भी सुनेंगे क्योंकि ब्रिक्स में ब्राजील भी है, आप समझ रही हैं, तो इसलिए उसकी रिलेवेंस और भी बढ़ जाएगी। और ये जो बातें हो रही है कि डी डॉलराइजेशन होगा या वेस्टर्न ब्लॉक इसको एज अ राइवल ब्लॉक देख रहा है, मेरे ख्याल से वो सब चीजें नहीं आनी चाहिए। G20 को इन टैंडम वर्क करना चाहिए ब्रिक्स के साथ, और उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज है रिगार्डिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी, रिगार्डिंग ट्रेड, वो सब चीज़ें होना चाहिए। क्लाइमेट, मुझे लगता है कि इस बार का G20 का जो मेन टॉपिक होगा वो एक तो क्लाइमेट चेंज होगा ऑफ कोर्स, दूसरा आपको आएगा जो इसराइल पैलेस्टाइन वॉर है। आई डोंट थिंक कि यूक्रेन वॉर को इस बार डील वो करेंगे, उसका रीज़न ये कि दे आर ऑलरेडी इन टच और उसको वो रशिया को एंटेगनाइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिसी थी वेस्ट की कि रशिया को हमें आइसोलेट करना है, इट हैज़ बीन शन। परसों ही जो है फ़ोन कर दिया या कल फ़ोन कर दिया ओलाफ शुल्ज़ साहब ने, और ओलाफ शुल्ज़ ने फ़ोन करके ये बात तो दिखा दिया कि भाई ठीक है, हम बात करने को तैयार हैं, आप अपना कंडीशंस बताएं। सो उसलिए आई डोंट थिंक दे विल डिस्कस यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट एज दे हैव डन प्रीवियसली, मेंशन करने की कोशिश होती थी, रशिया को कॉर्नर करने की कोशिश होती थी, इस बार मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। हाँ, इसराइल और हमास वॉर जो है वो ज़रूर फीचर करेगा, ये फीचर करेगा कि, और खासकर जब ट्रंप साहब का जो सेरेमनी है स्वेरिंग इन सेरेमनी वो बहुत जल्दी होने वाला, उसको देखते हुए उनकी क्या पॉलिसी है, G20 क्या अपने प्रीवियस स्टांस से चेंज करेगा, ये भी देखने वाला है, देखने वाला सिचुएशन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के भी जो है वो बहुत बातें होंगी, जो वन ऑफ द थिंग है वो रिफॉर्म इन ग्लोबल गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशन चार्टर में सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को लेकर भी डिस्कशन होगा। सो देयर इज लॉट ऑन द प्लेट एंड पीएम मोदी विल प्ले अ सेंट्रल रोल। उसका कारण यह कि इन सब एजेंडा के बीच में भारत है, चाहे आप ग्लोबल गवर्नेंस को ले लें, चाहे आप इसराइल पैलेस्टाइन वॉर को ले लें, चाहे आप जो है क्लाइमेट चेंज को ले लें, और चाहे आप वर्ल्ड पीस को ले लें, इन सब के सेंट्रल में भारत है। और मोदी जी को लोग सुनना चाहेंगे कि मोदी जी के पास क्या है कहने को। क्लाइमेट चेंज पे हमने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी दुनिया को बता रखी है, वन सोलर वन ग्रेड वन वर्ल्ड का जो हमारा फिलॉसफी है, उसके बाद आप देख लें हमने इफेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया ये आपका यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में मीडिएशन का ऑफर करके। तो दिस लॉट एंड लेट्स सी, अब तो जब वो मीटिंग होगी उसके बाद क्या नेता कहते हैं वो उसके बाद ही अनफोल्ड होगा, बट मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज और गजा वॉर और ग्लोबल गवर्नेंस ये टॉप इश्यूज होंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल, और इसी तरह की उम्मीद और ये सारी चर्चाएं हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और खासतौर से वेस्ट एशिया में पीस को लेकर चर्चा इस फोरम पे होने वाली है। अगर हम बात करें पीस को लेकर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर तो कई सारे डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखे हैं, लेकिन अगर हम वेस्ट एशिया में पीस की बात करते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, तो इसमें हम देख रहे हैं लगातार ये एस्केलेशन होता जा रहा है। और जिस तरह से जब से प्रेसिडेंट ट्रंप चुनकर आए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है और एक समय दे दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर सब सुलटारा कर लो। और उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान भी इस तरह की बातें की हैं कि मैं आऊंगा तो वॉर रुक जाएगी। तो उस सब के देखते हुए भारत की तरफ से हम क्या इसमें भूमिका देख सकते हैं, भारत की कोई जो खासतौर से वेस्ट एशिया में पीस को लेकर बात की जा रही है? देखिए, वेस्ट एशिया में पीस को लेकर के जो सबसे बड़ा इशू है वो क्रेडिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब आएंगे तो ये पहला ऐसा अटेम्प्ट होगा, इसके पहले कैंप कैंप डेविड हो चुका है। बहुत सारे यूएस जिसे कह लीजिए ब्रोकर्ड पीस डील हुए हैं दोनों के बीच में, बट वो चूंकि इतना डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, प्लस जो मुझे लगता है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है ये दोनों देश के बीच में, और वो जो थ्योरीज ऐसी हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है ईच अदर। आप समझती हैं मैं किन थ्योरीज की बात कर रहा हूँ? तो जब तक थ्योरेटिकल सिमिलैरिटी नहीं आएगी वो पीस होना मुश्किल है, एटलीस्ट लास्टिंग, क्योंकि ये वॉर रोकने का पीस नहीं है, ये दिमागों को बदलने का पीस है। क्या यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के एनिमी होंगे ये डिसाइड करना होगा, या यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? लेट मी रीफ्रेम इट, परहैप्स ये गलत है। क्या यहूदी और अरबी मुसलमान एक दूसरे के फ्रेंड हो सकते हैं? क्या वो कुरान के बाहर जाकर के अपनी फ्रेंडशिप को एनालाइज कर सकते हैं? क्या सेक्युलरिज्म की ओर, अब देखिए कल आप सेक्युलरिज्म की ओर अरबिक कंट्रीज जाएंगी, क्योंकि अगर वो सेक्युलराइजेशन की तरफ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम यू सॉल्व हो जाएगी, परपेचुअल पीस आ जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ रिटन ऑलरेडी ऑन द वे टू अटेन परपेचुअल पीस, इट्स नॉट कुछ, ये सिर्फ जिसे समझ लीजिए लोकल पीस की बात नहीं है, सामयिक पीस की बात नहीं है कि थोड़ी देर के लिए पीस हो जाए फिर से जो है वापस से लड़ लें, बात परपेचुअल पीस की है, कंटिन्यूअस पीस की है, फॉरएवर पीस की है। उसके लिए तो आपको थ्योरेटिकल चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी थ्योरी में लिखा गया आपको यहूदी को दोस्त नहीं बना सकते, आप यहूदियों को जहां देखो मारो और उनको कन्वर्ट करो, और बिकॉज जो यूरोप जो कुरान में कन्वर्जन की बात लिखी गई है वो बेसिकली यहूदियों और ईसाइयों के लिए लिखी गई है, ठीक है ना, कि इनको आप दावा दो बिकॉज कि इन्हीं की किताबों से आपको अपनी किताबों को प्रूव करना है कि बेटर है। सो पॉइंट ये कि जब तक थ्योरेटिकल इंप्रूवमेंट नहीं होगा आई डोंट सी कि कुछ, क्योंकि ऐसे बहुत से 6-7 हो चुके हैं, मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं आपको, मैं हर बार मेमोरी से भूल जाता आपको बता दूंगा कौन कौन से हुए हैं। सो ये मोदी जी की रोल इसमें मैं देखता हूँ बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है वो अमेरिका से ज्यादा भारत पे ट्रस्ट करना चाहेगा। और आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान साहब को अगर हम ऑब्जर्व करें कि वो अरबिया को कहां लेके जा रहे हैं, आप देखिए पैलेस्टाइन इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है, अरे इसराइल इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है, मगर एक भी अरबी देश ने पैलेस्टाइन के ऊपर, अरे इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और इस वॉर को अकेले लड़ने का, मादा रखने का या चैलेंज करने का जो जो बात स्टेटमेंट आता भी है वो ईरान की तरफ से आता है, एंड ईरान इज अ नॉन अरब स्टेट, ठीक है ना। और ईरान की ये पॉलिसी, ये ईरान और पाकिस्तान की पॉलिसी जो है कि हम ये छद्म युद्ध लड़ेंगे, हम प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ने का क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। आपको लड़ना है तो अपनी अपनी सेनाओं को ले जाके लड़िए, जैसे 1947 का 48 का लड़ाई हुआ था, 1967 की लड़ाई हुई थी ईरान इसराइल की और अरब कंट्रीज की, मगर ये कि हम जी हमास बना देंगे, हम जी हिजबुल्ला बना देंगे, हम जी वो अजमे अंसार या ऐसे वो बना देंगे और उसके थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर कराएंगे, कभी 50 इधर मार दिया, 10 इधर मार दिया, और लोगों को जो है एक कांस्टेंट माइग्रेन बन के रहेंगे, ये जो एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट का मॉडस ऑपरेंडी अपनाया है ईरान ने और पाकिस्तान ने, जिसको हम टेररिज्म कहते हैं, ये तो इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर लड़ना है, अगर आप समझते हो कि युद्ध से, हिंसा से आपकी बात सॉल्व की जा सकती है, तो फिर फूला लड़ लो, 1-to-1 लड़ के खत्म करो हिसाब। लेकिन यह कि छत में युद्ध लड़ना, आतंकवादियों को भेजना, उनके दिमाग में जहर भरना, इससे क्या हो जाएगा? तो जो दो मुझे सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज लगते हैं, उसमें इंडिया का सेंट्रल रोल होगा, क्योंकि इंडिया इन सबको टेबल पे ला सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को इस मैटर में हाथ डालना नहीं चाहिए।
ये अब्राहमिक, ये जिसे कहते हैं ना, इट्स अ कैंप डेविड वाला हिसाब किताब है, ये डेविड और उनके वंशजों की लड़ाई है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिकल वॉर उस तरीके का नहीं है जो हम नॉर्मल कंफ्यूजन समझते हैं कि पानी को लेकर लड़ाई है या टेरिटरी को लेकर लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत डीप रूटेड है, उसमें इंडिया का कुछ काम बनता नहीं है क्योंकि इंडिया के पास वहां ऑफर करने के लिए कुछ है नहीं अनलेस अंटिल की कंट्री सेक्युलराइज हो जाए। अब आप देखिए, हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे वो मेरे हीरो है आज के लिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने जेनिफर लोपेज का वो करवाया कॉन्सर्ट, आपने देखा होगा जो कपड़े उन्होंने पहने वो भी आपने देखा था, और जिस स्ट्रक्चर पे लेजर के थ्रू वो आ रहा था वो स्ट्रक्चर भी क्या था वो भी अगर आपने नोटिस किया है तो नोटिस कर लीजिएगा, वो काबा का स्ट्रक्चर था। एब्सोल्युटली, इस पे काफी, इस पे सोशल मीडिया पे काफी मोहम्मद बिन सलमान को काफी टारगेट किया था। सो सोशल मीडिया वाले तो जो भी है, वो तो देखिए सोशल मीडिया वाले आपको भी गाली देते हैं, हमको भी देते जी, भर भर के देते। तारीफ तो मैंने साली सोशल मीडिया पे अपनी आज तक सुनी ही नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे अपने लिए सुना है मैं प्लम्बर हूँ, मैं ठरकी हूँ, मैं जो है पता नहीं क्या, कुछ आता जाता नहीं है और पता नहीं क्या वो। हाँ, एक सच बात बोली है कि मैं फैट का गोला हूँ, ये बात मैं मानता हूँ कि पैकेट ऑफ फैट, दैट आई एक्सेप्ट, आई डोंट टेक इट एज अ ट्रोलिंग, बट नेवरदेलेस अपार्ट फ्रॉम दिस, भाई मुझे क्या क्या नहीं बोले, मैं तो मतलब पढ़ने के बाद डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि भाई अच्छा कोई बोल ही नहीं रहा है उसमें, यही जो अच्छाई सुनने में आती है वो आती है, वरना ट्रोल करने वाले ने तो ब्लड जो है ना वो मेरा वो करा रखा है, कम करा दिया बेटा। हैविंग सेड दैट, तो देखिये मोहम्मद बिन सलमान साहब बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था मेरे पास समय नहीं है कि मैं 5 साल, मैं 50 साल वेट करूंगा, मैं 5 साल में अरबिया को बदलूंगा और वो 5 साल में कतर बदलेगा, 5 साल में बहरे वो पूरा का पूरा उन्होंने नाम ले लिया अरेबियन पेनिनसुला का, उन्होंने कहा मैं बदल के रख दूंगा। ओ भाई, और वो मर्द की जबान है, बंदे ने करवा दिया, वरना भाई जेनिफर लोपेज बिकिनी में डांस करते हुए अरबी बैठे हैं फ्रंट चेयर पे, काबा पे उसका वो लेजर वो आ रहा है, शो आ रहा है, तो आप समझिए व्हाट द मैन इज अप टू। भाई वो आदमी स्टील का जिगरा देखा, देखिए उन्होंने अपनी सोसाइटी को इतना कट्टर बना दिया था, इतना लंबा डोज दे रहे हैं अफीम का वो, कि अचानक से ठीक करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, बट ही इज डूइंग इट। तो मुझे यही लगता है कि भारत को अरबिया का साथ देना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी की गारंटी लेनी चाहिए और एक लीडरशिप रोल विश्व बंधुत्व का भारत को देना चाहिए, एंड प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए बड़े एप्ट लीडर, ओनली पीएम मोदी can provide the world leadership and in PM Modi the world has trust. और अगर ईश्वर उनकी सेहत को रखा तो 10 साल अभी और है प्रधानमंत्री मोदी के पास, विश्व मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री भारत का सिर्फ भारत के लिए नहीं बनना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए अब विश्व के लिए, the world needs him more than India needs him, आप समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो वर्ल्ड लीडरशिप मिलेगी नहीं, तो आई थिंक ही needs 5 more years just for the heck of world leadership। जी ठीक जी, जो रिसेंट डेवलपमेंट हमने देखा है वो ये कि जो बड़े प्रतिद्वंदी थे सऊदी और ईरान, उनको नजदीक लाने में चाइना कामयाब हुआ है और अब हमने उनके रिश्तों में बदलाव देखा है, तो ये भी क्या एक बड़ा इंडिकेशन है उस ओर के पीस को लेकर, जो वेस्ट एशिया में हम बात करें कि उसमें हम कुछ डेवलपमेंट देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि चाइना के पास वो लीडरशिप है, आप इस्लाम को मानसिक बीमारी भी कह रहे हो, आप इस्लाम को लेकर के ट्रेनिंग कैंप्स भी चला रहे हो, री एजुकेशन कर रहे हो आप लोगों की, और उसके बाद आप जा करके आलम इस्लाम में ईरान को वो भी कह रहे हो जी आप आके वो कर लो, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? मेरे ख्याल से ये न्यूज़पेपर जो है ना, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर बिके हुए, ये आर्टिकल्स आते हैं स्पॉन्सर्ड टू प्रमोट चाइना। मैंने कहीं पढ़ा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स और उसको उन्होंने खरीद करके 10-20 लाख डॉलर दे के अपने फेवर में आर्टिकल्स लिखवाए भाई चाइना ने, ये एक अटेम्प्ट है चाइना का। तो खटास जो थी वो तो दूर होती भी नजर आ रही है सऊदी और ईरान, सऊदी और ईरान के रिश्ते तो बेहतर हुए हैं, अब उसके पीछे कौन है उसके वो एक अलग बात है, लेकिन उससे कैसे एक पैरामीटर बताइए कि बेहतर हुए हैं, एक पैरामीटर देखिए, ये आप ये हेट्रेड है शिया और सुन्नी की, जब हिजबुल्ला का जो लीडर था उसका नाम बताइएगा मैं भूल गया, जो मारा गया हिजबुल्ला वाला,
बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट आया। उस ट्वीट में उन्होंने एक्स पे क्या शेयर किया कि वो एक अरबी से बात कर रहे हैं जो अरबी ड्रेस में है, वो बड़ा खुश है क्योंकि हिजबुल्ला का लीडर शिया था। देखिए ये चीजें जब सॉल्व होंगी तो वो सॉल्व होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ सेक्युलराइजेशन। ये थ्योरी ये कि आप आ जाओ जी बैठ जाओ भाई, ये मल में मैन है, मन में मैल है, आप समझिए मन के मैल को। ये वो नहीं है ट्रांजैक्शनल की फायदा देख लो, ये मन में दुश्मनी है। इस दुश्मनी को निकालने का एक ही तरीका है रेनेसांस, मानवता, इस्लाम से इंसानियत तक का सफर, जैसे क्रिश्चियनिटी से ह्यूमैनिटी तक का सफर वेस्ट ने सफर किया। तो हमने हमेशा ह्यूमैनिटी की बातचीत की, हमने विश्व बंधुत्व की बात की, सर्वे संतु निरामया की बातचीत की, हमने जो है विश्व एका की बातचीत की। दुनिया हमसे कहीं नहीं 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 विश्व एका कुछ नहीं, हम सही हैं बाकी सब गलत है। क्रिश्चियनिटी टू ह्यूमैनिटी दिस पर्टिकुलर जर्नी हैज बीन कंप्लीटेड, जुडाइज्म टू ह्यूमैनिटी हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड, अब बचा है इस्लाम से इंसानियत तक का सफर। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा सऊदी अरेबिया ईरान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब तक आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के नाम पे यूरोप ने काट दिया आधा आधा पॉपुलेशन, वो किसी चाइना और किसी के वो पीस ब्रोकर करने से वो चुप होते थे, पांच छह महीने की शांति होती थी फिर लड़ पड़ते थे क्योंकि अंदर नफरत थी। इसीलिए इमैनुअल कांट को एक किताब लिखना पड़ा यूरोप में, उस किताब का नाम ही है परपेचुअल पीस। उसने बताया कि परपेचुअल पीस कैसे आएगा, उसके पांच तरीके दिए उसने। यूरोप उस रास्ते पे गया, उसने आमूलचूल परिवर्तन किए, पॉलिटिकल फिलोसफी से लेकर के सोशियोलॉजिकल ऑर्डर तक को चेंज कर दिया, तो आपको आज पीस दिखता है। विदाउट रिजॉर्टिंग टू दीज मैकेनिजम्स आई डोंट थिंक एनी परपेचुअल पीस इज फॉलोइंग। इजराइल सॉरी ईरान और सऊदीया के रिश्ते उसी रास्ते से जाएंगे जो मोहम्मद बिन सलमान करे। चाइना हैज नो रोल टू प्ले। देखते हैं कि अब इस हम वेस्ट एशिया में जो पीस की बात करें उस पर क्या डेवलपमेंट होता है, कौन लीडरशिप रोल में या की रोल की हम बात करें इसमें अदा कर पाता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, भारत का रोल हम देख सकते हैं G20 में वेस्ट एशिया में पीस को लेकर काफी चर्चा और कुछ की उम्मीदें की जा रही है, आगे क्या कुछ डेवलपमेंट होता है और लीडर्स किस तरह की बातें रखते हैं फोरम पर, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।